साइड में साइड में जल्दी आ जाओ, छोड़ो छोड़ो साइड में साइड में, इधर आओ इधर आओ बाबा बाबा आज से 35 साल पहले सिनेमा चल रहे थे, 35 साल के बाद सिनेमा जो जितने भी हैं वो बंद हो गए। अब ये जाहिर की बात है यहाँ पर इस वक्त शूटिंग चल रही है, मगर आप इसके साथ साथ ये शॉट भी लीजिए। ये गंदगी जो ओल्ड टाउन में है, ये गंदगी काफ़ी सालों से है। बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये गरीब लोग हैं, गरीब लोग रहते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं वो बड़े बड़े कॉलोनी में चले गए। बिल्कुल, मगर गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट ये डेवलपमेंट करे, हाँ डेवलपमेंट करे, ताकि ओल्ड टाउन खूबसूरत बने। ये ओल्ड टाउन है पहाड़ी इलाका, बिल्कुल ऐसे सीनरी किसी जगह पर आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, जाए सोपोर में जाए, श्रीनगर में जाए, ये खूबसूरती अल्लाह ने खुद यहाँ पर पैदा किया है। मगर इस ओल्ड टाउन की बात है, यहाँ पर गंदगी ज्यादा है। बिल्कुल, ये गंदगी जो होना चाहिए ना ये नहीं होना चाहिए। तो सोचा थे ना जिंदगी में, चलो ये अच्छी बात है यहाँ पर ये इस वक्त फिल्म की शूटिंग चल रही है, ताकि आगे भी बात चले कि कश्मीर कैसा मुल्क है, अमन पसंद मुल्क है, भाईचारा है, यहाँ पर किसी के साथ जुल्म नहीं है। हाँ, जो भी कश्मीरी लोग हैं प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो इनके लिए कोई फंडस नहीं आता है, जो भी फंडस आता है ऊपर से ही खा जाते हैं। बननी चाहिए, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं बेड करके जो काफ़ी तालीम हासिल किए हैं वो इस वक्त पटरी पर सब्जी बेच रहे हैं, क्या ये शर्म की बात नहीं है? फिल्में बननी चाहिए और यहाँ पर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे इंसान है वो सब्जी बेच रहे हैं, कोई जॉब कोई कारखाना यहाँ पर खोले जिसे यहाँ के नौजवान कारोबार कर सकते हैं। यहाँ के बच्चे इनके साथ मिलेंगे, काम करेंगे, रुपया दस कमाएंगे, और जो भी है यहाँ की जो पुरानी हुकूमत थी उन्होंने यहाँ जवाब मचाया, जो वहाँ से आता था वो खुद ही खाते थे, पहले से बहुत पहले। अच्छा, तकरीबन 40 साल पहले, उसके बाद कभी नहीं हुई, उसके बाद आज हुई पहली बार। यहाँ बहुत सारे लोग खुश है, इससे कारोबार बढ़ेगा, बच्चे दस इनके साथ चलेंगे, वो रुपया दस कमाएंगे, अपना घर चलाएंगे, और जो भी है जो पढ़े लिखे लोग है वो रेडियो पर बैठे है। बिल्कुल, क्या गवर्नमेंट के पास उनके पास कोई काम नहीं है? यहाँ के बच्चों को रोजगार दे दो। बिल्कुल, जो बेकार बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं बेड करके हैं एमए करके, वो रेडियो पर काम करते हैं, रेडियो लगाते हैं, जिनको शाम को रुपया दस कमा के घर वालों को देते हैं। क्या गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई काम नहीं है जो उन बच्चों को मिल सकता है? जो जितने चाहे उतने बनाओ, ठीक, हम उसमें खुश हैं।
मगर हमारे बच्चों के भी कुछ सोचो। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार हो रहा है ये ऐसा। मैं गुजारिश करता हूँ हर एक को कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ डर लगता था जब भी कोई आता था, यहाँ पर डर लगता था। अब हमें बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक को अच्छा लगता है क्योंकि हमने पहली बार देखा इसको, क्योंकि हमने इसको टीवी में देखा था। हिम्मत हम हाशमी को हमने पहली बार देखा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत है। ये हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ओल्ड टाउन के इलाके में आज ये शूटिंग हो रही है, जो बहुत खुशआइन बात है। और जो यहाँ पे लोकल्स हैं उनको भी यहाँ पे काम मिल रहा है। और आप देख सकें शूटिंग में कितने सारे लोकल्स यहाँ पर देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये हमारी इस ओल्ड टाउन के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि ओल्ड टाउन में ऐसी शूटिंग हो रही है, और इमरान हाशमी सर जो है वो यहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं। जी जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल। इतना मतलब ओल्ड टाउन में इस शूटिंग होना, तो ये तो जाहिर सी बात है कि हालात बदल चुके हैं। जल्दी आ जाओ, छोड़ो छोड़ो।